आपको सुनाता हूँ कि शबनम अभी जो गुल है खिजाओं के सर कटे, शबनम अभी जो गुल है खिजाओं के सर कटे, नाते नबी पढ़ी तो गुनाहों के सर कटे, नाते नबी पढ़ी तो गुनाहों के सर कटे। और शाने खुदा तबस्सुमे शाहे अरब में थी, शाने खुदा तबस्सुमे शाहे अरब में थी, इंसान के बनाए खुदाओं के सर कटे, इंसान के बनाए खुदाओं के सर कटे। हजरत मुबारक साहब मुबारक अच्छा पढ़ रहे थे, अब पढ़ते पढ़ते क्या कह रहे थे मालूम? हमारे भाई मुबारक क्या कह रहे हैं, उन्हीं के शेर सुनाता हूँ, मतलब बहुत अच्छा इनका, उन्हीं के शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। कह रहे थे कि पिला रहा हूँ कलम को जवाब का पानी, पिला रहा हूँ कलम को जवाब का पानी, पिला रहा हूँ कलम को जवाब का पानी, पिला रहा हूँ कलम को दवात का पानी, मुझे गजल पे चढ़ाना है नात का पानी। कौन आया यार? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे सलाम अकमलो कौसर साहेबान, हजरते अकमलो कौसर साहेबान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा दयालु और जयालु मुसलमानों, एक चीज बता दिया, पूरा मजमा नारा लगा देना, कायदे से नारा लगा दे तो पूरे इलाका की बीमारी भाग जाएगी, इन कोई बोल ही नहीं रहा यार, गजब हो गया। ये देखे इतना अपना चल रही, बैठो आप जैसे जो चाह आपकी मर्जी जो चाहे। ये कौसर अकमल साहेबान वैशाली की नुमाइंदगी करते हैं, मेंबर नूर भी है मियां, वक्त नहीं है मियां, मुझे बहुत अफसोस हो रहा कि इतना बड़ा मजमा है लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग टहल रहे हैं, हर आदमी चुप कराने में लगा है। बहरहाल मैं कहूंगा चुप मत रहिए, सिर्फ सुनिए आप, सिर्फ चुप हो जाइए सुनिए। मैं चलता हूँ यूपी, और यूपी में बहुत चरखेज सरजमीने सरजमीने संभल संभल की नुमाइंदगी करने वाला हतीब, जो अल्हम्दुलिल्लाह सदबार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मोहतरम का अल्हम्दुलिल्लाह खिताब होता है, वो मोहताज तारुफ नहीं, तमाम लोग जानते और पहचानते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, जिनकी गुफ्तगू में दावा भी, दलील भी, इश्क भी, मोहब्बत भी, शरीयत मुतहरा भी, कुरान और हदीस मुबारक का हवाला भी जिनकी गुफ्तगू में होती है, वो गुफ्तगू मियां होने जा रही है। बस शर्त यह है कि कायदे से गुफ्तगू सुन लीजिएगा, मैं दावे से कहता हूँ गुफ्तगू उनकी हो गई और आप कायदे से सुन लेंगे तो यकीनन इस्लामी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। बस कायदे से बैठिए, बगैर वक्त को बर्बाद किए खतीब उल हिंद खतीब बारगाह नबविया शमे ऐवान रज़विया बोलचाल की वाणी आवाज देने जा रहा है, जिनका नबी नबी इस्लाम नबी हजरत अल्लाह मौला मोहम्मद इम्तियाज अहमद साहब प्रकाशी संभल यूपी बोलचाल की वाणी, ये कहता हुआ निहायत मोहब्बतों के साए में आवाज दे रहा है कि जमीन की कोख क्यों और आसमान बन जा, शरण के गोद और कुल फता बन जा, बहुत बहुत फसूलदा है मेरा वतन मसाजिद के हजरत से बिलाल से ये देखो नहीं की अदा। अच्छा एक चीज बता देते हैं, इस जलसे का कायदे मोहतरम जिनके क्यादत में जलसा चल रहा है, जलसे मौला अब्दुल कपूर साहब की बुलाए, बहुत हो गया यार, जलसा को तमाशा का बना दिया आपने, ये जलसा हो रहा है या कुछ हो रहा है, अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन जलसा में क्या करने गए थे, अमल तुम्हारा कैसा, नियत कैसी, अल्लाह जाने। हर आदमी मोबाइल लेके बैठा हुआ है, अरे वो चंद लोग हैं उनको देख लो, इधर मोबाइल इधर मोबाइल इधर मोबाइल, ये मोबाइल लग रहा कि बीमारियों का अड्डा है, ये बीमारी बन गई है ये मिशनरी अड्डा। क्या यार, पहले हमारे जलसे में ये नाटक नहीं था, ड्रामा नहीं था, ये इतने चैनल वाले सब है, इनको फायदा है, हमको कोई फायदा नहीं, ये चैनल से इनको फायदा है।
इनको और वाली इनको मिलेगा, जितना भी और मिलेगा उनको फायदा, कमेटी को जगह ये लोग नहीं देगा। क्या हाल है, ये लोग खुद तबाही मचा है, इधर पूरा लोग तबाही मचा है। बड़ा यार बड़ा सुनो यार, तकीर सुनिए, इधर से पूछे अच्छे मौला अब्दुल कबूर साहब, यहाँ से पूछे वजू का तरीका नहीं मालूम, गोसुल का तरीका नहीं मालूम, नमाज में कैसे दाखिलों का नहीं मालूम, खाली बकवास करने बैठे हो यार। कुछ तो सुनो, कुछ तो सीखो, जलसा का मकसद क्या है? जलसा का मकसद ये है, आज जो बुराई हो रही है कल ना हो, जलसा का मकसद यही है, आज जो समाज में बुराई है कल इसका बाइकॉट होगा। मैं कल पूछूंगा कमेटी के लोगों से, इतना बड़ा इकट्ठा मजमा कर लिया, कल जलसा से फायदा क्या हो बताओ, फायदा क्या हुआ बताइए, 1% फायदा नहीं हुआ। आप जाकर पूछोगे को कल चल दीवानी को जमा दिया, फाड़ दिया मजमा को, बोला क्या कहूं नहीं मालूम। यार गजब लोग हैं यार, बैठो अदब से बैठिया, कुछ आता जाता नहीं है, जो जो जानता है, जो जानकार है बताने वाला सुनते नहीं है, एकदम सुनने को मूड में नहीं है। बढ़ो बाबू बैठिए बैठिए, हो गया बहुत, रात के 12 बजे तक अब तक खाली बैठाइए, बैठा जा रहे उठा जा रहे। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबाद से आए, बहुत पॉपुलर मुकर्रर का नाम है मुफ्ती हम्माद रज़ा, उन्हीं के दियार के बगल में एक जगह संभल यूपी बरेली शरीफ जाओ और आगे, वहां से आने वाला आलिम हजरत मौला मुफ्ती इम्तियाज अहमद बरकाती, मैं जानता हूँ अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या खास बोलेंगे आपको सुनने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें, हम माइक हो जाए। इस बड़े मजमा के लिए नौशाद भाई काफी, अरे यार सच के बोलेंगे तो और नहीं बुझाएगा, इसको पूरा खोल दिया, देखिए पूरा मजमा आपका है, हम आपके हैं, उलमा आपके हैं, बैठिए बगैर वक्त को बर्बाद किए हजरत अल्लाह मौला मोहम्मद इम्तियाज अहमद बरकाती संभली को आवाज देता हूँ, इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, जितने मुसलमान हैं सब हाथ उठाओ, उठाओ हाथ, उठाइए हाथ, अब कोई नहीं नारा लगाइए, नारे तकबीर, ऐसे ही नारा लगता है, इतना जोर से नारा लगाओ कि पूरे मधुबनी की बीमारी अमेरिका चली जाए, पूरे बिहार की बीमारी अमेरिका चली जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत या नबी कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। सुनो तुम लोगों से गुजारिश है, एक भी आदमी नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठो मोबाइल रखो, अगर चला मौला मोहम्मद इम्तियाज अहमद बरकाती साहब से गुजारिश है, माइक कहिए, कुर्सी लाइए, कुर्सी लाओ यार, कुर्सी लाइए, उधर से कुर्सी लाओ यार, कुर्सी लाओ, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप आ रही है, आइए एक कुर्सी आ गई, अगर देखिए देखो सेटिंग कर, माइक वाला समझ नहीं आ रहा,